नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू हल्द्वानी उत्तराखंड से। दोस्तों, जो इतने सुंदर ये फ्लावर्स खिलते हैं हमारे गार्डन में, इनके लिए हम कौन कौन सी मेहनत करते हैं और किस तरीके से मैं इनके लिए फर्टिलाइज़र बनाती हूँ, क्योंकि मैं कोई केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं देती हूँ, मैं सिर्फ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही देती हूँ। और इसके अलावा आज मैं आपसे बात करूँगी कि अपने घर से निकलने वाले कूड़े से आप कितनी आसानी से फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। बहुत ही आसानी से मैं आपको बेकार पॉली बैग में एक बेहतरीन फर्टिलाइज़र बनाना बताऊँगी। दोस्तों, इस तरह के बैग जो हैं आजकल कॉमन हो गए हैं, हर किसी के घर में आते हैं। ये आटे का बैग है, ये भी मुझे मेरे पड़ोस में से मिला हुआ है, 5 किलो का आटा बैग। इसी में मैं आपको बताऊंगी कि फर्टिलाइजर कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जो है ड्रेनेज होल बना लेंगे। मैंने बहुत सारे इसमें ड्रेनेज होल बना दिए हैं जगह जगह पर, ये अंदर से साइड से। आप चाहें तो इसको पलट के इसका वाइट पार्ट बाहर कर सकते हैं और इसका कलरफुल पार्ट जो है अंदर कर सकते हैं, पर मैं वाइट पार्ट ही अंदर रखती हूँ, जिससे कि जो भी हम फर्टिलाइजर बनाएं उसमें किसी भी तरह के केमिकल का जो है रिएक्शन ना हो, इसलिए मैं व्हाइट पार्ट इसका अंदर रखती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक पॉली बैग लिया है, क्योंकि इस पर ये हर जगह मिल जाता है, इससे हमारा पॉट भी इंगेज नहीं रहता है और इसमें बहुत ही आसानी से हम फर्टिलाइजर बना सकते हैं। इसमें ड्रेनेज होल बहुत छोटे हैं, आपको दिख नहीं रहे होंगे, ये मैंने सीजर से जो है सीजर के नोकीले पार्ट से कर रखे हैं। आप चाहें तो पेचकस वगैरह से भी इनमें ड्रेनेज होल बना सकते हैं। इसमें मैंने सबसे पहले तो जो है थोड़ी सी मिट्टी भर दी है, ये मिट्टी बिल्कुल मॉइस्ट होनी चाहिए और हो सके तो किसी बड़े पेड़ के नीचे की मिट्टी मिल जाए आपको कहीं से तो बहुत अच्छी बात है। नहीं मिलती तो अपने किसी भी पुराने पॉट की, जिसमें पहले से पॉट में मिट्टी है, आपको कोई प्लांट लगा था, उस प्लांट की जो नीचे की सॉइल है बहुत मॉइस्ट होती है, उस सॉइल को आप इसमें अच्छी तरह से तह बिछा दें। मैंने इसमें अच्छी तरह से एक पूरी तह लगा दी है। ये देखिए दोस्तों, आजकल हर घर में मटर हो और भी बहुत सारी सब्जियां हों, गाजर की फील्स हों और कई सब्जियों की फील्स वगैरह होते हैं, उनको आप चाहें तो डायरेक्ट डाल दें या ना चाहें तो थोड़ा सा उनका मॉइस्चर ख़त्म करने के लिए उनको सुखा सकते हैं। तो मैंने कुछ पार्ट मेरा मटर का सूख चुका है क्योंकि कई दिन से पड़ी थी, और कुछ जो है ये ग्रीन है, तो इनको जो है हम इसके नीचे भर देंगे। ये बहुत अच्छी तरह डिकम्पोज हो जाते हैं, कुछ समय के बाद आपको मटर के दाने भी, कोई मटर के छिलके दिखेंगे ही नहीं इसके अंदर। हो सके तो आपके पास पूरा किचन वेस्ट है तो वही डालिए, नहीं तो इसके अलावा आपके पास रोज़ आप अपने गार्डन में झाड़ू लगाते हैं और फूलों की डेड हेडिंग करते हैं। ये देखिए दोस्तों, मेरे जो मैंने सुबह झाड़ू लगाया था गार्डन में वो कूड़ा है, और ये देखिए सूखे हुए फूल हैं। और इसके अलावा दोस्तों, इसमें बाल वगैरह भी अगर पड़े रहते हैं तो कोई नुकसान नहीं होते, क्योंकि ये भी प्रोटीन के से ही बनते हैं और ये डिकम्पोज होकर हमारे बहुत अच्छा फर्टिलाइजर मिलता है। तो जितना भी कूड़ा है जो डिकम्पोज हो सकता है वो सब हम इसमें डालेंगे। इसमें सिर्फ पका हुआ खाना वगैरह आप न डालें, नॉन वेज वगैरह खाते हैं तो वो चीज़ें न डालें। इसके अलावा मूँगफली के छिलके अगर आप साबुत डाल देते हैं तो वो भी डिकम्पोज नहीं होते हैं। एक्सेल भी मैंने देखा है कि बहुत जल्दी कंपोज नहीं होता, उसको बहुत छोटे छोटे टुकड़े में बनाकर डालें। और ये फ्लावर वगैरह तो पता ही नहीं चलते कुछ समय के बाद कहाँ गए। ये देखिए, मैंने इसमें जो है मेरा वो जो कूड़ा था वो कूड़ा भी डाल दिया, आधा से ज्यादा मेरा ये बैग जो है भर गया है। अब मैं इसके ऊपर हम जो भी फर्टिलाइजर बनाएंगे उसमें देखेंगे कि हमें बहुत सारा वो न्यूट्रिशन से भरपूर हो। तो पोटेशियम के लिए हमारे पास ये मिल जाएगा, हमको बनाना पील्स पड़े हैं। और देखिए, ये जो है हमारे सॉइल को एसिडिक बनाएंगे संतरे के छिलके। तो ये सब जो जितनी ज़्यादा वैरायटी की आप चीज़ें उसमें डालेंगे, उसके अलावा जो आपके फ्रूट्स खराब हो जाते हैं वो फ्रूट्स भी डाल दीजिए। ये देखिए, मैंने इतनी सारी चीज़ें डाल के इसको बहुत ज़्यादा भर चुकी हूँ। अब मैं इसके ऊपर ऐसे फर्टाइल सॉइल डालूंगी कि जो बहुत बेहतरीन होगी, जिसमें बहुत सारी वैल्यूबल न्यूट्रिशन होंगे, उसको मैं डालकर इसके कुछ समय के लिए इसको छोड़ूंगी। सॉइल को एसिडिक बनाने के लिए दोस्तों चाय पत्ती बहुत अच्छा फर्टिलाइजर होता है हमारे रोज और प्लांट हिबिस्कस के लिए। तो जो है हम रोज की चाय पत्ती जो धो के रखते हैं उसको बिना सुखाए भी आप इसमें डाल सकते हैं, तो इसको भी डालूंगी अब। ये देखिए, मैं ये लेके आई हूँ, ये सॉइल है और ये जो है रेत है और ये है वुड एश और ये है हमारे पास गॉट मैन्योर। अगर आपके पास ये काउ डंग है तो वो भी डाल सकते हैं, बर्मी कंपोस्ट है वो भी डाल सकते हैं, पर सर्दियों के लिए गॉट मैन्योर सबसे अच्छा होता है, इसलिए मैं इसको डालती हूँ। तो इन सबको मिला के इतनी अच्छी फर्टाइल सॉइल बनेगी, धीरे धीरे हमारा सारा जो मटेरियल है वो पूरी तरह डिकम्पोज हो जाएगा। तो इसको बहुत अच्छी तरह से अपने पूरे पॉली बैग के ऊपर जितना हो सके, जितना वो आ सकता है, दबा दबा के हम इसको भरेंगे।
दोस्तों इसमें हमने बकरी की खाद मिलाई है, वुड एस मिलाया है और रेत मिलाई है, साथ ही बहुत अच्छी जो मॉइस्ट सॉइल है वो मिला रखी है। तो ये सब चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। बकरी की खाद अगर आपको कहीं से मिलती है, सर्दियों में आपके पौधे इतनी तेज़ी से ग्रोथ करेंगे कि आप यूरिया वगैरह का यूज करना भी भूल जाएंगे। ये बहुत अच्छी, इसकी तासीर गर्म होती है, तो ये काफ़ी अपने प्लांट, हमारे प्लांट के लिए हेल्पफुल होती है। और हमारे रेत इसलिए मिलाया है क्योंकि जो भी हमारे पास फर्टाइल सॉइल बन के, जो भी हमारे पास कंपोस्ट बन के होगी वो बिल्कुल पोरस होगी, वो बिल्कुल चिपचिपी नहीं होगी, इसलिए हम इसमें रेत मिलाते हैं। बुडेस हमने इसलिए मिलाया है क्योंकि जो कि हम इसमें प्लांट लगाएंगे, हम इस सॉइल के अंदर जब रेडी होगी हमारी पूरी फर्टाइल, तो उसमें जो है फंगस का अटैक नहीं होगा। मैं डायरेक्ट ही आपको इसमें प्लांट लगाने की मेथड बताऊंगी, बहुत बेहतरीन तरह से हमारे प्लांट चलते हैं इसमें। ये देखिए, इसको पूरा दबा दबा के जितना भर सकते हैं आप भरिए। इसके अलावा आपके पास अगर आपके जो प्लांट सूख जाते हैं उन प्लांट को भी आप इसमें डाल सकते हैं। इसमें अच्छी तरह से भर देंगे हम इसको पूरी तरीके से दबा दबा के। ये दोस्तों आप मटमैला सा पानी देख रहे हैं, ये जो है कुछ वाइट है, कुछ मटमैला टाइप का दिख रहा है आपको, तो ये पुराना दही है, इसमें गुड़ मिला रखा है, ये बेस्ट डिकम्पोजर का काम करता है। इसको जो है आप इसके ऊपर अच्छी तरह से ऐसे ऐसे छिड़क देंगे इसको, तो कुछ ही दिन में हमारा ये जो है बेस्ट डिकम्पोज, इस बेस्ट डिकम्पोजर को आप जो है जिन भी आप प्लांट में अपना किचन वेस्ट इस्तेमाल करते हैं उसमें ज़रूर डालना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ अंश बच जाता है तो वो ये बहुत जल्दी डिकम्पोज कर देता है। इस तरीके से बनाकर हम इसको कुछ दिनों के लिए छोड़ देंगे। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने ये बनाया था, ये देखिए मैं आपको गुड़ाई करके दिखा रही हूँ कितना अच्छा हो गया है। डायरेक्ट अभी इस समय हम जब प्लांट में बनाते ही लगाना है तो आप धनिया के बीज डाल सकते हैं, इसे मेथी के बीज डाल सकते हैं, पर कुछ ऐसे प्लांट लगाना चाहते हैं, इसमें कोई भी नाजुक प्लांट नहीं लगाना चाहिए जो बहुत सेंसिटिव हो। इसमें हम ऐसे प्लांट लगाएंगे जो बहुत, जिनकी मैं अच्छी तरह से रूट डेवलप हो गई हैं, मैं आपको इसमें प्लांट लगाकर भी दिखाती हूँ। इसमें कोई प्लांट अगर आप डायरेक्ट लगा देंगे तो वो प्लांट कई बार मरने का डर रहता है। अगर आप इसके ऊपर मेथी वगैरह कोई चीज़ ग्रो करेंगे तो वो चीज़ नहीं मरती, क्योंकि नीचे उसमें जड़ें पहुंचने में बहुत टाइम लगता है। ये देखिए दोस्तों, मेरे घर में तैयार पॉपी के प्लांट हैं। अब मैंने एक हफ्ते से इसको छोड़ा था जिससे कि ये डिकम्पोज भी हो गया थोड़ा, और जो गैसेस रिलीज होती हैं वो प्लांट को नुकसान नहीं पहुँचाएंगी, क्योंकि सर्दियों में डिकम्पोजन की मेथड जो होती है थोड़ी स्लो हो जाती है। तो इस चीज़ को ऐसा भी नहीं आप कहीं धूप में रखना है, जहाँ आपके पास जगह है आप इसको रख सकते हैं, धूप वगैरह में रखेंगे ज़्यादा, क्योंकि ठंड है, आप खुले में रखिए। और इसके अलावा इसमें जो पानी वगैरह निकलता है वैसे तो कम निकलता है, क्योंकि ज़्यादा पानी हम डालते ही नहीं हैं। दूसरा जो है, अगर आपके पास कोई पॉट है, पहले से खाली पॉट वगैरह पड़ा हुआ है, उसके ऊपर रख देंगे तो जो भी पानी वगैरह होगा उसकी सॉइल में जाएगा। और अगर आपके पास कच्ची ज़मीन है तो कच्ची ज़मीन में इस चीज़ को रखना ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि ज़मीन की मॉइस्चर भी इसको मिलता है। अब मैं इसको, मैंने ज़्यादा जितने भी इससे पहले अपने डहेलिया के प्लांट दिखाए थे वो सब मैंने इसी तरह से लगा रखे हैं। मेरे पास इतने सारे प्लांट हैं, मैं सॉइल तैयार करने बैठूंगी तो मैं कहाँ से तैयार करूंगी। इससे हमारा जो भी ग्रो बैग है या पॉट है बहुत हल्का होता है, उसमें जो है फर्टाइल सॉइल बनी रहती है। अब जब ये पॉपी का प्लांट अपना लग जाएगा और फ्लावरिंग कर लेगा, इसके बाद हम इसको निकालेंगे तो इसके में ढेर सारी मेरे पास जो है बहुत ही अच्छी फर्टाइल सॉइल, उसको हम किसी भी पॉट में लगा सकते हैं। गर्मियों के प्लांट उसमें आसानी से हमारे बहुत अच्छे चलेंगे। तो इस पॉपी के प्लांट को मैं दोस्तों, मैं कभी भी अपने पॉली बैग भी ख़राब नहीं करती हूँ। ये देखिए कितनी आसानी से निकल जाता है, इसको निकाल कर आराम से निकालेंगे और इस पॉलीबैग का मैं फिर रीयूज करूंगी। देखिए ये पूरी जड़ें नीचे तक आ गई हैं, और इसको जो है हम इसमें आसानी से इस तरीके से बीच में रख देंगे। ये देखिए, और खूब अच्छी तरीके से ये मेरे काम आएगा कुछ दिनों के बाद, क्योंकि ये पॉपी का प्लांट है, इसको जब हम बहुत बड़ा पॉट देंगे तभी ये बहुत ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग करेंगे। तो मैं इसमें थोड़ी और फर्टाइल सॉइल डालूंगी और इसको मैं धूप में रख दूंगी, फुल धूप में, और बहुत अच्छी तरह मेरा प्लांट इस पर चलने लग जाएगा। तो दोस्तों आज मैंने आपको ये बताया कि किस तरह पॉली बैग, या आप जिस चाहे तो आपके पास जो है पॉट है या ग्रो बैग है उनमें, क्योंकि मैंने तो वो चीज़ बताई जो बिल्कुल फ्री में आपके पास ये बैग वगैरह होते हैं, इनमें किस तरह से आप जो है एक फर्टाइल सॉइल और बहुत अच्छी तरह से कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। घर के जो किचन वेस्ट होता है, जो आपके गार्डन का कूड़ा कचरा निकलता है, उसे किस तरह से निस्तारित करें, उसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कीमती होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।